गाइस, दिस इज प्रकाश एंड वेलकम टू माय चैनल प्रकाश झा मैथमेटिक्स। अभी तक आपने और हमने दोनों ने मिलके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1-5 तक सॉल्व कर लिया था। सो आज हम उसी के आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं, जिसमें कि हम 5-10 तक सॉल्व करेंगे और आगे जो है 10 के आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में भी आपको, जैसे कि हर वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलता है, ऐसे ही इस वीडियो में भी आपको एक मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज यानी कि एक फैक्ट भी जानने को मिलेगा। सो लास्ट तक बने रहें विदाउट स्किप की। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें हमें दिया गया है x³ + x²y + xy² + y³ = 81। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। बस एक्सरसाइज में आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ सिंपली करना क्या है, आपको तो फाइंड करना है क्या dy/dx फाइंड करना है ना, आपको तो यही फाइंड करना है। क्वेश्चन में तो यही गिवन है ना फाइंड करने के लिए, तो ये फाइंड करना है हमें। लेकिन आपको बता रखा है मैंने इसको फाइंड करने क्या करना पड़ता है, हमें इस पूरे इक्वेशन को एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। वही कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों साइड को हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे देखो, एक्स को डिफरेंशिएट क्या आएगा, 3x² कैसे आएगा देखो, मैं स्टेप बाई स्टेप करता हूँ। dy/dx x³ + इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करूँगा, मैं आपको बता रखा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे x²dy/dx y + y को आगे लिख देता हूँ अब, तो ये क्या आ जाएगा x²। अब मैं एक बार x को लिख देता हूँ बाहर, एक बार पहले y को, चलो एक बार x को लिख देता हूँ बाहर, x लिख दिया बाहर, dy/dx y² + एक बार y² को बाहर लिख लेता हूँ, तो dy/dx x हो जाएगा प्लस, अब y का बचा है तो d/dx क्या है y³ और इक्वल टू क्या पता है आपको, क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है ना हमेशा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, करेक्ट है। तो हमने क्या कर दिया, देखो आप बता देता हूँ आपको, इस वाले को मैंने खोला है u और v- के फॉर्मूले से। ये क्या होता है, u-v + v-u। ठीक है, और इसको मैंने कैसे यूज़ किया है, x⁻ इसको अभी आगे यूज़ करेंगे। x⁻ का डिफरेंशिएशन आपको बता रखा मैंने क्या होता है, n⁻¹। ठीक है ना, मैंने बस यही दो चीज़ यूज़ करा है यहाँ पे, बस इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं और कुछ नहीं करूँगा। मैंने तो एक स्टेप लिख दिया है, बस मैं आगे डिफरेंशिएट करके इसका आंसर लिखता चलूँगा। देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो एक्स सुपर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा प्लस x² यहीं पर रहेगा, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का। ठीक है, करेक्ट, याद रखना आप। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x और y तो बाहर है, y को y से लिख देते हैं, प्लस y² डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे y² है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे y² छोड़ देते हैं, प्लस यहाँ पे y³ है तो y³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y² और यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx भी लिखा जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 है ही। ठीक है ना, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ से dy/dx फाइंड करना है, तो आपको जो है सबको अलग अलग कर लेना पड़ेगा, मतलब dy/dx जो है जैसे ये है तो इन सबको अलग अलग लिखना होगा आपको, और फिर ये x² वाले पार्ट को अलग से लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने शायद कुछ मिस्टेक करा है आई थिंक, जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे हमने dy/dx नहीं लिखा, क्योंकि हमें लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो यही वाला है ना, हाँ यही वाला है, देखो x को लिख दिया था हमने, लेकिन y² डिफरेंशिएट करा था हमने, 2y लिखा था, लेकिन dy/dx नहीं लिखा था, तो ये भी इसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मैं 3x² को लिखता हूँ अलग और इसको लिख देता हूँ अलग, क्योंकि यहाँ पे dy/dx नहीं है इनके साथ में, प्लस y² भी लिख देता हूँ। अब जो है सारे dy/dx वाले हैं तो उनको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, x² + 2xy, लंबे बताता हूँ आपको, 3y² और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, dy/dx कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, इसमें से और इसमें से dy/dx को बाहर निकाल लिया है, और जो बच गया है x², इसको अंदर लिखा, इसको अंदर लिखा, इसको अंदर लिखा। ठीक है ना, इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। अब इस पूरे पार्ट को जो है, या फिर इस पूरे पार्ट को जो है उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, 3x² + 2xy + y² ये अलग है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का x² + 2xy + 3y² और dy/dx। इस वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में लेके, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको यहाँ से अगर dy/dx निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इस तो नीचे ही रहेगा 3x², ये तो ऊपर ही रहेगा, प्लस 2xy + y² और यहाँ पे जो है माइनस वाला साइन ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला साइन, ये वाली चीज़ आ जाएगी नीचे, क्या आ जाएगा, x² + 2xy
प्लस थ्री वाई स्क्वायर। तो हमारे पास कितना, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया है, ये आ गया है, हमारा रिजल्ट ये आ गया है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ये हमारा आंसर है। इसको नोट कर लो आप, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, इसमें हमें ना डी वाई डी एक्स ही फाइंड करना है। कैसे कर देगा फाइंड, हमें पता है कि हमें कुछ भी दिया गया हो, हमें दोनों तरफ जो है एक्स के रिजल्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है, पहला काम हमारा वो होता है। तो कर लेते हैं यहाँ पे हम पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर लेते हैं, लिख लेना यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा वो देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सही से लिखता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई है इज इक्वल टू क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ के, के इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो ही आएगा। कर लेते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू साइन एक्स, हिसाब करते हो ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या आता है वो टू एक्स आता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन करो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, फिर आप एक्स भी करते हो तो वो क्या आता है वन आ जाता है, मतलब टू एक्स आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ वन की मल्टीप्लाई आती है, हमें क्या आता है टू एक्स ही आता है, समझ गए ना, इस तरीका होता है डिफरेंशिएशन। चेन रूल का मतलब, चेन रूल का मतलब हम चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऐसा कर दिया हमने, टू साइन एक्स कर दिया, अब हमें साइन एक्स भी करना पड़ेगा तो वो क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है कॉस एक्स होता है, याद रखना है आपको, प्लस यहाँ पे आप करना है कॉस एक्स वाई का करना है, तो यहाँ पे कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, पहले तो होता है कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना है एक्स वाई लिख दो, यहाँ पे अब करना क्या है आपको एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई को क्या करोगे आप, एक एक्स एक टर्म एक वाई टर्म, तो यहाँ पे आप चेन रूल यूज़ करोगे, वो क्या होता है जैसे कि आप करते थे ना यू वी का डैश, जैसे आपने इस प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, तो वैसे यहाँ पे करेंगे एक्स को लिख दो वाई को डिफरेंशिएट कर लो, फिर प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे वाई को लिख दो और एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, यही करते हैं, ठीक है, चेन रूल में इज इक्वल टू क्या होता है के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब देखो ये क्या है टू साइन एक्स है कॉस एक्स है माइनस क्या है यहाँ पे, अब इसकी जो है मल्टीप्लाई एक बार ऐसे लिख देता हूँ साइन एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, सिंपल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे जीरो। अब देखते हैं यहाँ पे टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, इसके उल्टा अंदर कर देते हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, मैं इस एक्स को आगे ले आया प्लस, अब इस वाई को आगे ले आऊँगा सॉरी माइनस माइनस वाई, ये माइनस साइन है ना इसलिए माइनस लगाया मैंने, वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब क्या करना है आपको डी वाई ओवर डी एक्स वाला जो पार्ट है इसको अलग सेपरेट कर लेना है और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब इस ऊपर वाले पार्ट की, आपने नोट कर लिया क्वेश्चन को तो मैं इस वाले पार्ट को ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ दिखाता हूँ आपको डी वाई ओवर डी एक्स कैसे फाइंड करना है। देखो इस वाले ऊपर, इस वाले क्वेश्चन को मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो क्या यहाँ पे टू साइन एक्स कॉस एक्स, अब फिर माइनस में क्या था, ये माइनस में था वाई साइन एक्स वाई, अब जो है इस वाले माइनस वाले पार्ट को मैं उस तरफ लेके राइट साइड लेके, तो क्या हो जाएगा ये एक्स साइन एक्स वाई, इस वाले पार्ट को उधर ले जा रहा हूँ और डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट को बस सिर्फ इसके नीचे ले आना है, मतलब इस वाले पार्ट को जो है उठा के यहाँ लिख दो, नीचे में इसके अपॉन में क्या हो जाएगा ये एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया आपने, बस ये हमारा रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर सेवन भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। आपको पता है फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें करना क्या होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लेते हैं यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई स्क्वायर ए इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ वन, मैंने पता है आपको क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने पहले भी किया है, वो क्या आ जाएगा टू साइन एक्स, और साइन एक्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा टू कॉस वाई, ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ पे जो है कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई है यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स पे लगाएंगे, यहाँ पे एक्स एस हमने एक्स यहाँ पे वन हो गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाई एल से डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू क्या जीरो। पता है ना आपको क्या समझना आ गया आपको, यहाँ पे हमने क्या किया कॉस स्क्वायर वाई का क्या किया टू कॉस वाई किया, और हमने कॉस वाई का अलग डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा साइन वाई आ जाएगा, और वाई था इसलिए हमने डी वाई ओवर डी एक्स लिखा। अब करना क्या है आपको, बस लिख देते हैं मैं एक बार स्टेप कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, इस माइनस साइन को बाहर ले आऊँ क्या हो जाएगा ये टू साइन वाई
कॉस वाई हो जाएगा। चलो आप साइन वाई को भी बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास इज इक्वल टू क्या, जीरो। अब क्या करना है आपको, बस डी वाई ओवर डी एक्स वाले पार्ट को अलग लिख देना है, मतलब रहना तो अभी रहना तो अभी। देखो ये क्या हो जाएगा, साइन आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी क्लास इलेवंथ में, वो क्या होता था, साइन टू वाई का क्या होता है, टू साइन वाई। ये क्या होता था, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना टू साइन थीटा कॉस थीटा, होता है ना सर। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हमने दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है ना, बस टू साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये साइन टू एक्स है और ये कितना है, माइनस टू साइन वाई है, माइनस साइन टू वाई है। और डी वाई ओवर डी एक्स तो लिखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वो तो है ही साथ में। अब देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ से देखो इस वाले पार्ट को ना यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देखो आप, अब जो है इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लो, वो क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई। बस क्वेश्चन नंबर सेवन एट भी हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास ये, इसमें भी हमें क्या करना है, सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड करना है और यहाँ पे भी हमें डिफ्रेंशिएशन ही करना है। और यहाँ पे आपको बस क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर्मूले, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन अब जो आएंगे वो सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले बताना चाहिए, फॉर्मूले कौन से यूज़ करेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर आपने क्लास इलेवंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें आपने बस फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन टू एक्स का, साइन टू वाई का, कॉस टू एक्स का, टेन टू एक्स का, फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे, वैसे फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो डोंट वरी, आपको अगर याद नहीं तो मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा कौन सा कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये नाइन है हमारे पास। अब देखो हमारा वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे अगर आप मान लो कि कोई एक ऐसे आइडेंटिटी पुट करो जिससे कि यहाँ पे कोई ये फॉर्मूला बन जाए, तो आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। जैसे कि आप देखो एक्स यहाँ पे कुछ पुट कर दो, आप कुछ साइन कॉस टेन कुछ पुट कर दो आप, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले पार्ट को ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनानी है, वो इसको देख के बनानी है, ठीक है ना। आपको अगर आप इसको साइन इनवर्स एक्स है, अगर आप इसको साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना देते हो, क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा टू थीटा, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं बताना क्या चाहूँगा यहाँ पे, देखो मैं क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर एक्स इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, मेरे को जैसे लग रहा है एक्स इक्वल टू यहाँ पे मुझे टेन थीटा मान लेना चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान रहा हूँ, वाई इक्वल टू क्या है, मैं किसी जगह टेन थीटा पुट करूँगा, देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या करूँगा, पुट टेन थीटा पुट करूँगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैंने एक्स जगह पर सिर्फ टेन थीटा पुट किया है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स आपको फॉर्मूला पता था, नहीं पता था तो मैं बता देता हूँ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है, करेक्ट है, तो मैं इसी जगह पे सिर्फ टेन साइन टू थीटा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास बन गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन टू थीटा है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर टू, नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लेना, आपको रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपको उसमें क्या किया था आपने, जब हमारे पास साइन इनवर्स ये होता है और साइन इनवर्स जैसे कि साइन टू थीटा थीटा कुछ भी होता है, तो यहाँ उससे क्या होता है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, यहाँ वैसे काटते नहीं हैं लेकिन कैंसिल हो जाता है, ये रूल है, तो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ टू थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा बचेगा यहाँ पे। अब देखो आपने जो है एक्स की जगह क्या माना था, टेन थीटा माना था, अगर आप यहाँ से जो है थीटा निकालना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर आप यहाँ से थीटा निकालोगे, सिर्फ थीटा निकालोगे, तो टेन को उधर ले जाओगे, मतलब टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको मैंने बता रखा है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस आपको इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करना है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, टू डी वाई अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। लेकिन आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपल लिखते हैं यहाँ पे टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटू करने के आप यहाँ पे इसका लेना आप, ये आ जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर टेन को देख लेते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर नाइन की तरह बिल्कुल सेम, आपको सारे क्वेश्चन सिमिलर ही मिलेंगे, ठीक है, उसमें भी सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर टेन में क्या करना है, आपको सिंपल हर क्वेश्चन में करना क्या है, आपको जो थीटा वाला पार्ट है, जो एंगल वाला पार्ट है, उसको ना ऐसा कुछ बनाना है आइडेंटिटी पुट करके, जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए, ये फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूला से टेन इनवर्स जो है इसके टेन जो है कट जाए,
मतलब आपको 10 वाले का फॉर्मूला बनाना है इसमें सिंपल। 10 वाले फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं आपको याद होगा आपने क्लास 11th में ही देखा होगा 10 थीटा का एक फॉर्मूला होता था जो कि क्या होता था 3 tan theta होता था 10 थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा होता था अपॉन 1 - 3 tan² थीटा होता था। ये एक फॉर्मूला होता था हमारे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में। तो वहाँ पे आपने देखा था क्या 10 और 3 थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो आप इस फॉर्मूले में देखो इस वाले पार्ट में देखो अगर आप एक्स से यहाँ पे अगर आप 10 थीटा पुट करो तो सिंपल ये वाला पार्ट बन जाएगा ना। तो देखते बस हम पुट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमें पुटिंग एक्स इज इक्वल टू क्या 10 थीटा बस हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 inverse 3 tan theta माइनस 10 cube theta अपॉन 1 - 3 tan² theta आ गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 10 inverse ये क्या हो जाएगा 10 3 theta हो जाएगा क्योंकि हमने देखा इसका मतलब क्या होता है ये होता है सेम तो यही है ना सब कुछ तो सेम ही है 10 3 theta का फॉर्मूला बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो 10 inverse 10 कैसे जाएगा बचेगा क्या 3 theta बचेगा। आप देखो अब क्या करना है आपको थीटा की जगह पर क्या पुट कर सकते हो आपने क्या माना है एक्स इज इक्वल टू क्या माना है 10 थीटा माना है। अगर आप यहाँ थीटा निकालो तो क्या देगा वो 10 inverse x आ जाएगा है ना। बस यहाँ पे 10 inverse x रख दो 3 tan inverse x हो जाएगा। आपको पता है कि 10 inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर आप यहाँ से dy/dx करो चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से dy/dx निकालते हो चलो यहाँ नहीं करते एक मिनट एक स्टेप ऊपर से अब कर देते हैं ये तो क्वेश्चन था ना। अब देखो अब करना क्या है y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है 3 tan inverse x आ गया है। अब करना क्या है आपको dy/dx फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा ये 3 dy/dx d/dx 10 inverse x आ जाएगा। और आपको पता है कि 10 inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x² तो ये क्या आ जाएगा ये 3/1 + x² हो जाएगा ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया है dy/dx आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आज का तो 10 नंबर क्वेश्चन हम आज 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा एक्सरसाइज है फिनिश हो जाएगा। तो हमारा टाइम होता है फैक्ट का ब्रेन हैज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड अ राइट हैंड साइड एंड बिटवीन द टू देयर इज अ मास ऑफ ब्रेन टिश्यू। सो गाइज टुडे आई एम गोना गिव यू एन एक्सरसाइज दैट विल स्टिमुलेट दैट एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप एंड वी ब्रश आवर टीथ। Did you know if you use your non-dominant hand, you can stimulate that extra portion of your brain? Simply by using your non-dominant hand, you are literally growing your brain. If you spend 5 minutes a day by using your non-dominant hand, you can actually prevent the onset of your mental illness by using your brain activity. It is easy as that, and who would have guessed? So every single morning, start your day by using your non-dominant hand. You will feel fresher and you will use more of your brain. So guys, if you like this video, do share with your friends and relatives and see you in the next video. So guys, take care and be with you every time.